कोतवाली पुलिस ने 27 अप्रैल को मलिया थाना के श्यामा उइके के खेत में मिले एक अधजले शव के गुत्थे सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, मुख्य षड्यंत्रकारी महिला अभी भी फरार है। पुलिस के अनुसार यह मामला आपसी पारिवारिक विवाद से जुड़ा है, जिसमें मृतक की पहचान डीएनए परीक्षण के आधार पर की गई है। बता दें, थाना झल्लार क्षेत्र के ग्राम गाडा गोहान से शंकर दाहीकर नामक व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिली। पुलिस ने डीएनए परीक्षण का सहारा लिया, जिसमें पुष्टि हुई कि मृतक शंकर दाहीकर ही था। जांच में सामने आया कि शंकर का उसकी भाभी मनीता से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते मनीता ने अपने भाई संदीप को शंकर से रंजिश रखने के लिए उकसाया। 25 अप्रैल को संदीप और उसका साथी नीलेश चौहान शंकर को अपने साथ लेकर गए, जिसके बाद शंकर का शव अधजली हालत में मिला था। जब मृतक की शिनाख्त हो गई, फिर परिजनों से पूछताछ की गई, तो जिनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है उसकी भाभी मनीता नाम है उनका, तो उससे विवाद चलता था। तो मनीता ने ही अपने भाई और एक उसके भाई का जो दोस्त है उसको 2000 रुपये पैसे देकर ये जो मृतक है शंकर दहीकर उसकी हत्या के लिए उनको बोला गया। 2000 की सुपारी दी थी। हाँ, 2000 की। इसमें मैडम ये भी पता चला है कि आप लोगों ने किसी दुभाषी को भी यूज किया जानकारी के लिए कुछ? जब परिजनों द्वारा एग्जैक्ट सूचना नहीं दी जा रही थी, तो एक दुभाषी के माध्यम से इनसे और चर्चा की गई, फिर उन्होंने और जानकारी दी, जिसके आधार पर आगे की विवेचना और की गई। ये जो आरोपी हैं मैडम, ये कहाँ पर थे, किस तरह अरेस्ट हुए, ये क्या कर रहे थे इतने महीनों तक? एक तो मनीता है, वो मृतक की भाभी है, और उसका भाई है संदीप दहीकर, और संदीप का ही दोस्त है नीलेश चौहान। इन्होंने मृतक को शराब पिलाने के बहाने एक शादी में लेके गए, और वहाँ पर रास्ते में इन्होंने उसको शराब पिलाई और बेल्ट से उसका गला घोटा और पेट्रोल से उसको जलाकर उसकी हत्या कर दी। अभी कितने आरोपी अरेस्ट में और फरार कौन? इसमें दो आरोपी संदीप और नीलेश, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। मनीता वो फरार है, और इनको गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो घटना में प्रयुक्त वाहन था मोटरसाइकिल और बेल्ट वगैरह, इनकी जब्ती की गई। ये कहाँ से मिले मैम, आरोपी को कहाँ से अरेस्ट किया गया? आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया।